अगर आपका पूरा करियर ही 15 से 17 साल तक का है तो इससे पहले तीनों MACP मिलने चाहिए, और एक एम्प्लॉयज को 3 प्रमोशन लेने का वह हकदार है पूरी सर्विस में। तो इस तरह आपकी 15 साल की सर्विस में आपको 3 MACP मिलेंगे। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वॉइस ऑफ एक्सपीरियंस सोसाइटी के द्वारा एक लेटेस्ट अपडेट दिया गया है जो कि सभी पेंशनर्स को, सभी सैनिकों को, भूतपूर्व सैनिकों को जानना जरूरी है। दोस्तों इसके एक एक पॉइंट है जिसको पढ़ने के बाद आप गौर करेंगे कि हाँ GCOR के साथ कितना धोखा हुआ है। तो पूरी जानकारी के वीडियो अंदर ही दिखेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आदरणीय पूर्व HCO JCO NCO वार्स कृपया पढ़ें। कारगिल युद्ध के बाद रक्षा सचिव अजय विक्रम सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी जिसके सदस्य सेना के तीनों अंगों के एक एक अधिकारी थे की रिपोर्ट ने सरकारी धन का अधिकारियों की तरफ मोड़ने और JCO NCO वार्स को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में रक्षा सचिव ने अपनी रिपोर्ट को तोड़ मोड़ कर और मूल भावना से अलग लागू करने का आरोप भी लगाया था। सैन्य कमांडरों की गलती के कारण कारगिल की पहाड़ियों के हमारे पोस्टों पर दुश्मन देश आकर बैठ गया जिसको हटाने के लिए कारगिल युद्ध हुआ। युद्ध के बाद अधिकारियों ने अपने फायदे के लिए इसे एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया। कमांडिंग ऑफिसर की यंग प्रोफाइल के नाम पर अधिकारियों ने उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रमोशन मेरिट और परफॉर्मेंस के आधार पर परफॉर्मेंस के स्थान पर टाइम स्केल करवा लिए। एक मेजर जो 10 साल में सिलेक्शन ग्रेड में प्रमोट होता था अब 6 साल में सबसेंटिव मेजर बनने लगा। उसी तरह से कैप्टन 2 साल में, लेफ्टिनेंट कर्नल 13 साल में और कर्नल 26 साल में टाइम स्केल बनने लगे। कर्नल सिलेक्शन ग्रेड में 16 साल में बनने लगे। इस रिपोर्ट को लागू होने से 90% अधिकारियों को फायदा हुआ और 20 लेफ्टिनेंट जनरल, 75 मेजर जनरल और 222 यानी कि 222 ब्रिगेडियर को भी अपग्रेड किया गया। दुनिया के किसी भी देश में इतनी तेज प्रमोशन नहीं है, वो भी टाइम स्केल जिसका मेरिट पर परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि यहाँ पर आपका जो क्वालिटी, आपके अंदर जो क्वालिटी है वो यहाँ पर कोई मायने नहीं रखती है क्योंकि ये टाइम स्केल के हिसाब से किया गया है। इससे पहले सेकेंड लेवल को समाप्त किया गया। सेना का अधिकारियों को सेना में ही सेवानिवृत्त होने के बाद रीएम्प्लॉय होने लगे, लेकिन सरकार ने ओवरऑल सेना के बारे में न सोच करके सिर्फ ऑफिसर के बारे में सोचा। JCO NCO वार्स जो कि फ्रंट लाइन वॉरियर है कि टाइम स्केल प्रमोशन की समझ में नहीं सोचा। उनको कंपनी कमांडर तो 6 साल में बनने वाला मेजर चाहिए, सेकेंड इन कमांड 13 साल में बनने वाला लेफ्टिनेंट कर्नल चाहिए और 16 साल में बनने वाले कर्नल कमांड अधिकारी चाहिए, लेकिन कंपनी सीनियर JCO प्लाटून कमांडर और अन्य पदों पर 24 से 26 साल में बनने वाले JCO चाहिए। अगर कमेटी ओवरऑल सेना को ध्यान में रखकर अपनी रिपोर्ट देती तो अधिकारी के टाइम स्केल प्रमोशन की तर्ज पर 13 साल में एक सिपाही को तीसरा प्रमोशन देकर नायक सुधार बनाती तो सेना का यंग प्रोफाइल के साथ साथ आज जो आर्थिक विषमता के खिलाफ असंतोष है वहाँ नहीं होता। JCO NCO वार्स में अधिकारी के तर्ज पर टाइम स्केल प्रमोशन सभी रैंक की आर्थिक विषमता दूर करता क्योंकि एक JCO को भी JCO के नाम, JCO के पद पर लंबा कार्य करने का लाभ अधिकारी से अपेक्षाकृत कम लेकिन मिलता है। 6 CPC के दौरान भी अगर तीसरा MACP 15 साल में दे दिया होता तो कानूनन सही है, तो भी इतनी आर्थिक विषमता नहीं आती। मैंने कई सुझाव दिया था कि किस तरह आप सेना की ऑपरेशन क्षमता और बैटलमेंट कर सकते हैं। इसमें सैनिकों के डिमीनिंग सेवादारी कार्य से हटाना भी शामिल था। जवाब भी आया काफ़ी संलग्न है, लेकिन सब सिर्फ कागजों में ही रह गया, लागू नहीं हुआ। 24/9/2021 को रक्षा मंत्रालय ने ORP रिवीजन से पहले डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर और ट्राईपास से PBOR की टाइम स्केल के संबंध में सूचना मांगी। नोटिंग सीट की संबंधित पेज संलग्न किया गया जो मैं आपको बताने वाला हूँ बाद में। वॉइस ऑफ एक्सपीरियंस सोसाइटी इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है कि तीनों MACP 15 साल तक देने के लिए केस दायर करें क्योंकि अपने पूरे करियर में एम्प्लॉयज 3 प्रमोशन का हकदार है। अगर पूरे करियर ही 15 से 17 साल का है तो इससे पहले तीनों MACP मिलने चाहिए। ये लेटर 1 अप्रैल 2023 को वीर बहादुर सिंह जी जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वॉइस ऑफ एक्सपीरियंस सोसाइटी के द्वारा लिखा गया। दोस्तों इसमें जो भी पॉइंट है रियल फैक्ट हैं और आप इन पॉइंटों में जो आपने गौर किया होगा कि JCO OR को
15 से 17 साल का उसका पूरा करियर है, तो उसको कम से कम यहाँ पे तीन एम्प्लॉयज, तीन कैरियर में प्रमोशन मिलने चाहिए जिसका कि वहाँ हकदार है। और इसके संबंध में वॉइस ऑफ एक्शन सोसाइटी केस दायर करने की सोच रही है। और जिस तरह से यहाँ पर अफसर को प्रमोशन दिया गया है, उनको यहाँ पर टाइम स्केल के अनुसार उनको प्रमोशन दिया गया है, जेसीओआर के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं सोचा गया। ये थी जानकारी। जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो